तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट फाइव हिंदी के बारे में, ठीक है। और पहला क्वेश्चन पैसेज से है, तो पैसेज पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन क्या है कि संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा किसके बारे में कहानियाँ लिखी है, तो इसका आंसर क्या है। संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी है और कवियों ने रचनाएँ रची है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया। चंद्रमा को निम्नलिखित उपनामों से संबोधित किया गया है, कौन कौन है वो, रजनीपति, रात्रि की देवी, दूत, बूढ़ा और बीमार, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बालक को शांत करने का क्या उपाय था। बालक को शांत करने केवल एक ही उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखा देना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमें बहुव्रीही समास के बारे में पूछा गया है। तो वह समास जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। और देखिए यहाँ पर एक समास है दशानन, समासिक पद का विग्रह करना है और उसके समास का नाम बताना है। तो दशानन क्या, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, और ये किस तरह का समास है, ये है बहुव्रीही समास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर देना है। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, तो इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो बाहर जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब अथवा में क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करना है। मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, तो अविकारी शब्द क्या है, और, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मैं कल रांची जाऊँगा, तो ये किस तरह का शब्द है, ये किस तरह का है अविकारी शब्द इसमें, तो इसमें अविकारी शब्द है कल, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर देखेंगे कि यह कविता गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है और कविता छाया मत छूना का सारांश, जी हाँ, छाया मत छूना का सारांश यहाँ पूछा गया है। देखिए तो क्या सारांश है, समझिए, तो इस काव्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये केवल भ्रम है, अर्थात ये मनुष्य के जीवन में खुशी नहीं ला सकता है, प्रभुता का शरण बिम्ब मेरे कृष्णा के समान है, ठीक है। और अर्थात हमें जिसके पीछे भागते हैं वह हमारे पास ही होती है, जिस प्रकार चंद्रिका में एक काली रात छुपी होती है, उसी प्रकार सुख में भी दुख छिपे होते हैं, अतः हमें जीवन यथार्थ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, हमें जीवन के बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए, है ना, और हमें अपने जीवन के बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वर्तमान में और भी अधिक दुख होता है। उसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है कि मृत तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, मृग तृष्णा हिरण के प्यास को यहाँ पर कहा गया है, अर्थात मृग तृष्णा यथार्थ की ओर भटकने को कहते हैं। रेगिस्तान में यदि धूप चमकती है तो तो क्या होता है, वह जल होने का भ्रम पैदा करती है, पर अति तृप्ति के सिवाय हाथ कुछ नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। और हिरण को उसे पाने के लिए पागल सा हो जाता है और उसके इधर उधर भागता रहता है, जिसके कारण उसकी प्यास और भी बढ़ जाती है और उसकी प्यास नहीं बुझती है।
ठीक है। और यहाँ पर इस कविता में मिक टिशनर की स्थिति वहाँ है जब हम वासनाओं कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति इस भटकाव में उलझ कर रह जाता है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होती, केवल दिखावा होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक कन्यादान कविता में माँ ने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झाकर अपने चेहरे पर मत रिंझना। कन्यादान कविता में कवि ने बेटी को अपने चेहरे पर न रिंझने की सलाह दी है। सुंदर चेहरे की प्रशंसा सुनकर अक्सर महिलाएं खुश हो जाती है और फिर वह हमेशा उस प्रयास की अपेक्षा करने लगती है, उस प्रशंसा की अपेक्षा में वो अपनी स्वतंत्रता खो देती है, ठीक है, और जीवन भर के बंधनों में बंध कर रह जाती है। इसलिए कन्यादान कविता में बेटी को माँ ने अपनी बेटी से कहा है कि अपने चेहरे पर मत रिंझना, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन पे पहले ध्यान देंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करना है। तो मनु भंडारी आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख लेखिकाओं में से एक है। मनु भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। उन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के रूप की मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है, ठीक है। और उनकी कहानियों में हम पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों विशेष आत्मीय अंदाज में, ठीक है, अत्यधिक हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्या है कि बिस्मिल्ला खां के यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला क्या है कि भारत रत्न उपाधि मिलने के बाद भी बिस्मिल्ला खां को घमंड कभी नहीं आया, ठीक है। उनके संगीत के प्रति अच्छी लगन तथा अच्छा प्रेम, ठीक है, सच्चा प्रेम करते हैं वो संगीत से हमेशा सच्चा प्रेम करते हैं। तो इस तरह से और क्या है, वह अपनी मातृभूमि से सच्चे प्रेम करते थे। वो एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे और ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। बिस्मिल्ला खां मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने क्या किया, काम किया, बनाए रखने के लिए काम किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फादर कामिबुर्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है, तो देखिए फादर बुल्के ने बहुत सारे काम किए हैं जिस आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जिस आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए कैसे कह सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना है, तो यहाँ पर देखिए फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोष भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा
हिंदी भाषा पर समर्पित था, अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जॉर्ज परसम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों था। देखिए अखबार चुप क्यों था, तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान का नाक जॉर्ज परसम की लाठ की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया, इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया कहती कि दुनिया के लोग जब आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, है ना। फिर यहाँ पर आपको मोहल्ले में यहाँ पर नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखना है, तो आप उसको लिख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर निबंध भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप सब आओ, उसके बाद एक आपको अंत में विज्ञापन भी लिखना है, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।